जी वेलकम टू अकेडमी, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। और आज का सेशन है कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ठीक है, जो कि क्या होता है, मिक्सचर्स का पार्ट होता है। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इसके बारे में पूरा रीड आउट करेंगे। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेटरोजेनस क्या होता है, उस पर उसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रजत पारेख, आपका जनरल साइंस मेंटोर, और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, एंड आई हैव गॉट अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड क्रैक सम एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, तो अनअकैडमी देता है आपको डेली लाइफ क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल रहते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, सब चीज, रिकॉर्डेड सेशंस आपको देखने को मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है एक ही प्लान लेने पे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जिसमें आप अलग अलग बैचेस में खुद को एनरोल कर सकते हैं, राइट। गुड इवनिंग मुदित, वेलकम। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, और रजिस्टर करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अनअकैडमी आपको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, इसको वहीं से इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद अपना गोल चूज कर लेंगे मैनेज गोल्स ऑप्शन में जाके, कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सभी पेड प्लान्स आपको विजिबल हो जाएंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। एक कोड बता रहा हूँ, RP100, इसको आप डाल सकते हैं फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स ऑन अनअकैडमी, राइट। और यही कोड इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी ऐप पर फ्री लाइव क्लास लेने के लिए और फ्री टेस्ट को अनलॉक करने के लिए, ठीक है। वेंकट जी नमस्ते, वेलकम। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। यहाँ से मेन कोर है चैप्टर का, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, वो मैंने पूरा कंटेंट ले लिया है, उसके बेस न्यूमेरिकल्स आपको, सॉरी न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज आपको पूरे आज ही करा दूंगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स, ठीक है, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, कल बताया था कल के सेशन में, होमो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होमो और हेट्रो, ठीक है। जो फिक्स्ड रेशियो में जो मिक्सचर्स मिल जाते हैं, है ना, जिनको सेपरेट करना मुश्किल होता है ना, सेपरेट करना मुश्किल होता है, जैसे वाटर, है ना, सेपरेट करना मुश्किल होता है, इस तरह के मिक्सचर्स बोलते हैं, को बोलते हैं अपन सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। ये मोटी मोटी पहली बात। और सेकंड बात जो आपकी है वो क्या है, दो तरह के हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं जिनको सेपरेट करना बहुत ईजी रहता है, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं कोलॉइड्स और सस्पेंशंस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आज के सेशन में, बस इसी की पूरी कहानी है। कोलोइडल सॉल्यूशंस, कोलोइडल मिक्सचर कौन से होते हैं, सस्पेंशंस कौन से होते हैं, और आपके सबसे पहला जो सॉल्यूशंस जिन्हें बोलते हैं, जिसको हम एग्जैक्टली बोलते हैं ट्रू सॉल, है ना, जो होमोजेनस मिक्सचर्स में आते हैं, जो पूरे एकदम से एक दूसरे में घुल जाते हैं, घुलने के बाद डिसअपियर हो जाता है उनका कलर, यानी ट्रांसपेरेंट नेचर के जो होते हैं, ठीक है। ये जो कोलोइड्स होते हैं ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है, जिनके आर पार थोड़ा ब्लर सा दिखता है, और ये सस्पेंशन जो होते हैं ये ओपेक होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझाता हूँ। देखो मिक्सचर्स कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, इनको बोलते हैं आप सॉल्यूशंस, यानी कि ट्रू सॉल, ये ट्रू सॉल की बात कर रहा है इसके अंदर ये, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन, उनकी जो मिलावट है उस पर वो डिपेंड करते हैं, लाइक पार्टिकल साइज जो होगा कंपोनेंट का उस पर डिपेंड करता है। एक सॉल्यूट होता है, ठीक है, जिसको डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है, जो मिलता है किसमें, उस माध्यम में, जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और मिलके सॉल्यूशन बनता है, सॉल्वेंट को डिस्पर्जन माध्यम बोला जाता है, जिसमें सॉल्यूट जो है वो घुलता है या फिर नहीं घुलता है, दोनों ही कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पूरा घुल जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशंस कहलाएगा, और नहीं घुलेगा तो सस्पेंशन या कोलॉइड कहलाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, जो होमोजेनस मिक्सचर होता है इसके बारे में आपको बता ही दिया मैंने। सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसमें होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, ठीक है, लाइक पानी में चीनी मिला दो, पानी में नमक मिला दो, है ना, पानी खुद H2O, ये सब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होती है, H2O जो है एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, आपको जानना पड़ेगा यौगिक और प्योर सब्सटेंस। कल बताया था मैंने ये दो चीज होती है, है ना, ये दो चीज होती है, इनमें फर्क क्या होता है, है ना। प्योर सब्सटेंस का पार्ट होता है एक कंपाउंड, एक होता है एलिमेंट, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट होता है कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट लाइक कंपाउंड वो होते हैं जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलके बनते हैं फिक्स्ड रेशियो में, वही कंपाउंड होते हैं ना। अब जैसे वाटर एक कंपाउंड है, वाटर में अगर आप मिला देते हो क्या, सॉल्ट, ठीक है, लेमन, इस तरह की चीजें आप उसमें ऐड कर देते हो, तो आपका कैसा बनता है सॉल्यूशन,
ट्रू सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि जो आपका कंपाउंड है, सॉरी आपका जो मिक्सचर है उसमें पूरा का पूरा वो घुल चुका है, सॉल्यूट जो है, ये सॉल्यूट है सॉल्ट और लेमन, ये आपका सॉल्वेंट है, पूरा पूरा घुल चुका है और डिसअपियर हो गया, कलर आर पार देख सकते हैं। तो इस तरह से लेमनेड, सोडा वाटर, ये सब एग्जाम्पल होते हैं सॉल्यूशंस के, जिनको अपन सॉल्यूशंस को होमोजिनस मिक्सचर बोलते हैं, ट्रू सॉल्व बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होमोजिनस मिक्सचर का आपको ये जानना होता है, तो ये आसान है समझना, ठीक है, क्योंकि इनको हम चेंज कर सकते हैं अप टू अ डेफिनेट लिमिट, ये भी ध्यान रखना, यानी घुलते जाएंगे एक लिमिट तक घुलेंगे, उसके बाद ये गायब हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, एक सर्टेन लिमिट तक चेंज होगा। सागर हिंदी में, पूरा हिंदी में ही है, देखो आप देख सकते हो ऊपर क्या लिखा है, विलयन या वास्तविक विलयन, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है ना, विलयन मतलब होता है सोल्यूशन, और वास्तविक विलयन जो होता है वो ट्रू सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे देखते हैं आगे, ठीक है, अब विलयन के जो अवयव होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है, देखो दो कंपोनेंट होते हैं ये आप जानते ही हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन दोनों को मिलाने पे आपका विलयन बनता है यानी सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है। तो देख लो, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, इसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन क्या है, एक सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट की तरह है, सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो इसमें इस स्लाइड से अपन क्या समझते हैं कि व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, किसका विलयन होता है, आयोडीन मिला होता है किसमें, अल्कोहल में। यहां से क्वेश्चन रेज हो सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इसलिए मैंने डाला है। कुछ होती है एरेटेड ड्रिंक्स, ऐसी ड्रिंक्स जिनमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं, है ना, प्रेशर इंक्रीज करके, और उन ड्रिंक्स का खुद का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं उनको, लाइक सोडा वाटर कंटेन्स CO2, एरेटेड ड्रिंक्स में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट की तरह एडेड होता है, और जो पानी होता है वो सॉल्वेंट की तरह एडेड होता है, ठीक है ना, पानी में आप CO2 मिला रहे हो एक तरह से, ठीक है। तो ये इन्हें बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, जिनकी थोड़ी सी जो एनर्जाइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया कंपोनेंट्स, इसके प्रॉपर्टीज देख लो सॉल्यूशन की। अब जो विलयन के गुणधर्म है उनके बारे में देखिए, तो सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिसको अपन ट्रू सॉल्व भी बोलते हैं, है ना, जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरह से घुल जाए और डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है, यूनिफॉर्म समांतर इनकी जो कंपोजिशन होती है। इनके पार्टिकल साइज से आप डिफरेंस बता सकते हो कि कोई सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, कोई मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन है, कोई मिक्सचर कोलॉइड है या सस्पेंशन है, सिर्फ पार्टिकल साइज के नेचर से, कि पार्टिकल साइज बड़ा है छोटा है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, जिनका 1 नैनोमीटर से कम का पार्टिकल साइज होता है डायमीटर में, वो क्या होता है आपका, वो आपका ट्रू सॉल होता है, ठीक है। हम उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, किसको, इनके पार्टिकल्स को, जैसे अपन ने चीनी घुल दी पानी में, तो उसके चीनी के जो पार्टिकल्स हैं घुल जाएंगे, उनको हम, उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम पाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये टिंडल इफेक्ट जो होता है इसको भी नहीं शो कर पाता, टिंडल इफेक्ट के लिए पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरा पानी के अंदर जो है टुकड़े दिखने चाहिए ऊपर से नीचे तक, जिससे कि लाइट आके उन पर इंसिडेंट करेगी तो वो स्कैटर कर जाएगी लाइट, तो लाइट का प्रकीर्णन हो जाएगा और वो एक पाथ विजिबल हो जाएगा आपको, ठीक है, आपको एक पाथ विजिबल हो जाएगा, वही टिंडल इफेक्ट होता है। तो देखो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, और जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन जिसे बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा होता है, वो ट्रू टिंडल इफेक्ट शो भी करता है और नहीं भी करता है। जब पार्टिकल्स ऊपर होते हैं, यानी जब सॉल्यूशन थोड़ा हिला हुआ होता है, तब पार्टिकल्स उसके ऊपर होते हैं सस्पेंशन में, तब वो शो करेगा। जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे जाके बिल्कुल, जब हम उसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तब वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो, हिंदी में लिखा मिल जाता तो मेरे लिए हेल्पफुल होता। एक्चुअली हिंदी में मैंने कल पूरा तो लिया था, आज मैंने थोड़ा सोचा हेडिंग्स हिंदी में डाल देता हूँ, क्योंकि लंबा हो जाता था सेशन, बट मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की आज के लिए, पर MCQs हो आज के सेशन में, MCQs हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो चाहो तो आप इसको एक बार इस तरह से ट्राई कर सकते हो देख के, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो आप इसको लास्ट पॉइंट लिखा है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और साजन जी राम राम, राम राम भाई, ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके आप इनके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, इनको आप क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह से घुल जाते हैं,
ठीक है ना। और इनका पार्टिकल साइज क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, बात फैक्ट है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, होमोजिनस मिक्सचर का पार्ट होता है ट्रू सॉल्व उसकी। द सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे जाके नहीं बैठते हैं, जैसे सस्पेंडेड में नीचे जाके बैठ जाते हैं सस्पेंशन में, है ना। और ट्रू सॉल्यूशन इज स्टेबल, एक स्टेबल परमानेंट एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें आप आर पार देख सकते हो, परमानेंट एक बार घुल गया दोबारा से सेपरेट नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं देखो, नॉर्मल जो सॉल्यूशन होते हैं देखो, एक होता है असंतुप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पहला, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अ सॉल्यूट इन विच मोर सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट, यानी कि चीनी अगर 20 ग्राम घुल रही है किसी एक लीटर पानी के अंदर, है ना, और आपने बिना टेम्परेचर बढ़ाए 20 ग्राम से ज्यादा नहीं घुल सकती। मैक्सिमम क्वांटिटी चीनी की कितनी है, शुगर की 20 ग्राम है मैक्सिमम, अधिकतम जो क्वांटिटी है इतनी है, तो 20 ग्राम तक घोलोगे तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड, संतुप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, 20 ग्राम तक घुल जाएगी। तो आपने 30 ग्राम घोल दी एक लीटर पानी के अंदर ही और बिना तापमान बढ़ाए, तापमान बढ़ा के तो आप घोल सकते हो कितनी भी, 50 ग्राम 60 ग्राम 80 ग्राम, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वो होता है सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, तरीका होता है कि बिना इंक्रीज करे अगर आप ज्यादा सॉल्यूट घोल देते हो उसकी क्वांटिटी से, लिमिट से ज्यादा, तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक सिंपल सा ही तरीका है जानने का बस, विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बारे में समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट पे आओ। सैचुरेटेड आप समझ चुके ही हो, एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर, एक लिमिट से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रेफरेंस में देखा जाए तो, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। अब आता है लास्ट सुपर सैचुरेटेड, ये कहता है असे संतुप्त विलयन, ये कह रहा है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कंटेन करते हैं क्या, एक्सेस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपने सॉल्यूट घोल दिया, यानी कि 20 30 40 50 ग्राम चीनी नहीं, आपने करीबन 100 150 ग्राम चीनी घोल दी है जो एक बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी होती है, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से भी ज्यादा अमाउंट में, जैसे सॉल्वेंट एक लीटर है तो एक लीटर से ज्यादा मान लो कोई चीज सॉल्यूट की उसमें घोल दी है, तब वो सॉल्यूशन बन जाता है आपका क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, यानी सॉल्यूशन की पूरी कैपेसिटी जितनी है उससे भी ज्यादा, मतलब वो सॉल्यूशन भर चुका है किससे, पूरा सॉल्यूट से, तब सुपर सैचुरेटेड बनता है, ठीक है। चलो सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाती है, घुलना खत्म हो जाता है बिल्कुल, आप घोल ही नहीं सकते इस केस में। हाँ भाई, अब ये देख लो ये क्या होते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय और अजलीय विलयन, तो नाम से समझ में आ रहा होगा। ये कह रहा है जब व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन वाटर, जब पानी में सॉल्यूट घुल जाता है तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी सॉल्यूट हो लाइक Na घुल गया H2O में, तो आप बोल दोगे जो NaOH बन के आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको आप बोल दोगे एक्वस स्टेट है इसकी, क्योंकि पानी में घुल चुका है, ठीक है। इथेनॉल इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन है। व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर, तब बोलते हैं उसको नॉन एक्वस। पानी के अलावा अगर कोई सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में घुल रहा है, तेल में घोल रहे हो, केरोसिन में घोल रहे हो, पेट्रोल में घोल रहे हो, किसी भी सॉल्यूट को आप, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जांपल आयोडीन एंड अल्कोहल, अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में घोलते हैं तो सॉल्वेंट की तरह कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ज्यादा क्वांटिटी में वो कौन है, अल्कोहल है, वाटर नहीं है। इसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं, अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। इस तरह के एग्जांपल्स को याद रखना, जब पानी सॉल्वेंट नहीं होगा तब नॉन एक्वस और पानी सॉल्वेंट होगा तो एक्वस कहलाएगा। एसिडिक बेसिक सॉल्यूशंस देख लो, एसिडिक बेसिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस जिनके पास एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं OH नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में। आपको पता है OH पॉजिटिव आयन की जब सांद्रता बढ़ती है तो उसको एसिडिक कहा जाता है सॉल्यूशन को, एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। पानी में घोलने पर जो एसिड होता है वो डिसोसिएट होता है किसमें, एच पॉजिटिव आयंस में, एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयंस, है ना। और यही एच पॉजिटिव आयन फर्दर पानी से रिएक्ट करके एक और तरह के आयंस बनाता है जिसको बोलते हैं H3O पॉजिटिव आयंस। इनको बोला जाता है NCERT के हिसाब से हाइड्रोनियम आयंस। तो ये भी एसिड की पहचान होती है, जब ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस हो चाहे एच पॉजिटिव आयंस हो, तब वो कैरेक्टर कहलाएगा सॉल्यूशन का कैसा, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है।
और जब OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी H पॉजिटिव से, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कहलाएगा कैसा, बेसिक, यानी सॉल्यूशन कहलाएगा बेसिक। न्यूट्रल क्या कहलाएगा, जब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की बराबर सांद्रता होगी। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उसके जो टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन होते हैं, उसको आप सांद्रता बोलते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कंसंट्रेशन होती है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के कण हैं, मोल्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक बेसिक हो गया और एक्वस नॉन एक्वस हो गया। नेक्स्ट पे आओ, अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं ये कितने तरह की होती है, सांद्रता जो होती है किसी विलयन की कितनी तरह से बता सकते हैं अपन। तो आपको सिर्फ इसके डेफिनेशन जाननी है, क्योंकि डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल डीपली नहीं पूछेगा कभी भी। देखो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, या तो मास हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में भी हो सकता है, जो प्रेजेंट होता है किसमें, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है या सॉल्यूशन भी हो सकता है, यानी 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है या 100 ग्राम मास के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दोनों तरीकों से सांद्रता निकाली जाती है। ठीक है, पढ़ लेते कैसे कैसे। जिनकी सांद्रता कम होती है सॉल्यूशन के अंदर उनको अपन डायल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन विद रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन डायल्यूट बोलते हैं। जो जिनकी सांद्रता ज्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। अब कितने तरीके से अपन कंसंट्रेशन बता सकते हैं सॉल्यूशन की, तो तरीके ये हैं कि सबसे पहले अगर आपसे पूछे मास परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंटेज में द्रव्यमान है कंपोनेंट का, घटक का किसी सॉल्यूशन के अंदर। मान लो घटक है आयरन नेल्स, लोहे के टुकड़े हैं, बताना है कि किसी पानी के अंदर लोहे के टुकड़े डूबे हुए हैं, तो उसकी आयरन की परसेंटेज कितनी होगी, मास परसेंटेज। तो जो टोटल मास होगा आयरन का, मास ऑफ द आयरन ऐसे समझ लो, उसको डिवाइड कर देना टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से इनटू 100 कर देना बस, तो आपकी मास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, यहां से ये बात क्लियर हुई। कोई भी सॉल्यूट होगा कंपोनेंट, वो प्रेजेंट जैसे भी होगा या सॉल्वेंट होगा, डिवाइड कर देना टोटल उसका द्रव्यमान जो दे रखा था उससे और इनटू 100 कर देना। ऐसी वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट जो डिसॉल्व किया गया है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है किसी कंपोनेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ये एक नॉर्मल साइज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट होता क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, कितने मोल्स प्रेजेंट है। मान लो एल्यूमिनियम घुला हुआ है किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम मान लो एक सॉल्यूट है, ये एक सॉल्वेंट है, तो इसके कितने मोल्स प्रेजेंट है एल्यूमिनियम की, आपसे पूछ सकता है। तो मोल्स का मतलब होता है वह क्वांटिटी, जब अगर एक उसका 27 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल्स होंगे, तो 27 ग्राम जो होता है एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास के बराबर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, या कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूलर मास के बराबर प्रेजेंट है, तो उसमें हमेशा एक मोल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, तो कह देते अपन 2 मोल इसका आंसर होता। तो ये मूल कंसेप्ट, एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर क्लास 9th का, उसको अपन केमिस्ट्री में ढंग से डिस्कस करेंगे, वो जब बोल चैप्टर अपन ले लेंगे, अभी तो अपन को सिर्फ इसकी सांद्रता निकालना समझना है। ठीक है, अब देखो ppm निकालने का फॉर्मूला पूछता है, पार्ट्स पर मिलियन, एक मिलियन मतलब करीबन 10 लाख में से कितने पार्ट्स हैं किसी सॉल्यूट के, छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम प्रेजेंट है किसी पानी के अंदर, तो एल्यूमिनियम में कितने आयंस होंगे, तो वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, देख के 27 ग्राम 30 ग्राम ऐसे नहीं बता सकते आप। तो आपको क्या बताना पड़ता है, जितने उसके पार्ट्स है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10^6 करते हैं। तो ये ppm निकालने का तरीका होता है, गुणा 10^6 होता है, ये ध्यान रखिएगा ये ppm, क्योंकि आपका ये 10^6 जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, मोलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, वो आपकी मोलैरिटी होती है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन 1 लीटर, ये मोलैरिटी है, कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, और अगर कोई पूछे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ मोल्स, हटाओ इधर मोल्स हटाओ, एक सेकंड रुको बताता हूं तुम्हें। लास्ट है सॉल्युबिलिटी और ये देख लो, उसके बाद कोलोइड्स और सस्पेंशंस करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जितना मास प्रेजेंट है ग्राम्स में किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसके रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम होना चाहिए। 100 ग्राम सॉल्वेंट के मास के अंदर कितने मास यानी कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये होती है आपकी सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करती है कि घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तापमान बढ़ा के तापमान घटा के, प्रेशर बढ़ा के प्रेशर घटा के। तो वो चीज अपन आज रीड करेंगे, कैसे सॉल्युबिलिटी किस पे इफेक्ट, किस चीज से इफेक्ट करती है, किससे बढ़ती है नहीं घटती है, और किससे बिल्कुल बढ़ती घटती नहीं है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। मोलैलिटी समझ में आ गया होगा आपके, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन सिर्फ किलोग्राम है। सॉल्युबिलिटी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स विद रिस्पेक्ट टू 100 ग्राम ऑफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है। चलो अब ये वो बात कर रहा था मैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सॉल्यूट को इन अ सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्यूट को घोलते हैं सॉल्वेंट में, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सबसे पहले पढ़ना है, उसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसे में घुल जाता है। अगर कोई पोलर सॉल्यूट है लाइक सोडियम क्लोराइड, NaCl एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक पोलर सॉल्यूट होता है, क्योंकि पानी में घुल सकता है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में घुल सकता है जो कि पानी है, पानी भी एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुल सकता है। ऐसे नॉन पोलर सॉल्यूट जैसे कोलेस्ट्रॉल ब्रोमीन वगैरह जो है नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं, ये किसमें घुल सकते हैं, ये किसमें घुल सकते हैं। पोलर सॉल्यूट्स वो होते हैं जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मैंने बोला NaCl, ये पोलर सॉल्यूट कैसे हुआ, Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव होता है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का वो ग्रेटर देन 0.5 होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें पोलर बोलते हैं। इनके पोल्स अपोजिट होते हैं बिल्कुल और दूर दूर भी होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो पोलर सॉल्यूट, ठीक है ना। ऐसे ही ये पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिजोल्व होगा। वाटर पोलर सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि एच पॉजिटिव और ओ टू में नेगेटिव में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर ये नॉन मेटल है ऑक्सीजन की तरह एक्ट करेगा, नॉन मेटल है ना, ऑक्सीजन नॉन मेटल की तरह एक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आप माइनस वाली नहीं लोगे, प्लस वाली लोगे, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है बॉन्डिंग कराने के लिए, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूट कौन से हो गए, जैसे ब्रोमीन देखो आप, सिर्फ Br2 बोलते हैं, Br से अटैच्ड एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या है, पोल्स तो अपोजिट है नहीं, सेम टू सेम है, Br नेगेटिव होता है, ये भी क्या होता है Br नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट, और ये नॉन पोलर में घुल जाते हैं। नॉन पोलर जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, बेंजीन C6H6 होता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, यानी पानी में आसानी से नहीं घुलते, ठीक है ना। तो इसमें नॉन पोलर सॉल्यूट ही घुलते हैं, लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह के सब्सटेंस या कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपको समझ में आ गया, वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लो, तापमान का क्या इफेक्ट होता है, तो ध्यान से समझना। यूजुअली सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्यूट की जो घुलनशीलता होती है वो बढ़ जाती है जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं सॉल्यूशन का, पर एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, ये आपको समझना है। देखो गैस जब भी हम लिक्विड में मिलाते हैं, आप मिला रहे हो लिक्विड में गैस, गैस इन लिक्विड, ठीक है ना, ये किसका एग्जाम्पल होता है, जैसे लिक्विड इन गैस किसका एग्जाम्पल होता है, गैस इन लिक्विड किसका एग्जाम्पल होता है, एक बार देख लो यहाँ मैं जल्दी से, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखो बोला गैस इन लिक्विड, हाथ की हाथ आपको याद हो जाएगा, ये एग्जाम्पल होता है फोम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये शेविंग क्रीम, फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, जो झाग वाली चीजें होती है वो बनती है जब गैस मिलता है किसमें, लिक्विड में, है ना। और जो लिक्विड इन गैस होता है, सिर्फ दो चीज देखना जो दिखा रहा हूँ उसको देखो, बस सब मत देखना। लिक्विड इन गैस देखो, लिक्विड इन गैस होता है एरोसोल, एरोसोल दो होते हैं, सॉलिड गैस में मिला दो चाहे गैस में मिलेगा कुछ ना कुछ, एरो मतलब एयर, गैस में मिलेगा कुछ ना कुछ, सॉलिड हो चाहे लिक्विड, दोनों को एरोसोल्स बोलते हैं, अब इतना ध्यान रखना। और जो गैस इन लिक्विड होता है वो आपका फोम होता है, वो नहीं याद रहता बच्चों को, तो इसलिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखा दिया। जो गैस इन लिक्विड होता है, जब लिक्विड में गैस मिला जाती है तो फोम बनता है, बट गैस में आप कुछ भी मिलाओ लिक्विड या सॉलिड, हमेशा एरोसोल बनेगा,
एयर का सॉल्यूशन ऐसे बोल सकते हो, यानी गैस में आप लिक्विड मिलाते हो, सॉलिड मिलाते हो, एरोसोल, और गैस को लिक्विड में मिलाओगे तो फोम बनेगा। यहां से बात समझ में आई? हम यहां पे थे तो आपने देखा जो फोम जैसी चीजें होती हैं वो तापमान के लिए क्या होती हैं, फोम हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, ये क्या होता है तापमान के बढ़ने से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घट जाती है। आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो शेविंग क्रीम्स जो होते हैं, ये जो इसमें क्रीम मिली हुई थी, जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट मिले हुए थे, उनकी घुलनशीलता कम हो जाएगी, अलग अलग होना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो गैस एंड लिक्विड यानी कि इस तरह के जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड, ये सब कोलाइडी सॉल्यूशंस होते हैं, ध्यान रखना। अपवाद समझ में आ गया, तापमान बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट एक चीज ऐसी है लाइक फोम, जिन्हें हम फोम बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है तापमान बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। चलो अब इंपोर्टेंट नोट्स देख लो कुछ। टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो एरेटेड ड्रिंक्स बनाने के लिए, एयर वाली ड्रिंक्स बनाने के लिए जब हम CO2 मिलाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर में, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि बॉटल को किस में रखा जाता है, हाई प्रेशर में, यानी प्रेशर बढ़ाया जाता है तब CO2 जो है वो घुल पाती है किसमें, प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है किसकी, जब हम गैस को मिक्स करते हैं लिक्विड के अंदर। क्या समझ में आई बात यहाँ से? यहाँ से बात ये समझ में आती है जो यहाँ लिखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड घट जाती है जब तापमान बढ़ाते हैं, पर जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस एंड लिक्विड की वो बढ़ जाती है। बात उल्टी है पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है टू मिनिमाइज पेनफुल इफेक्ट्स accompanying the decomposition of deep sea divers, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing. ध्यान रखना, जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में जाते हैं नीचे अंदर, वो जो यूज करते हैं वो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर जिन्हें बोलते हैं, उसमें हेलियम के साथ में स्टेबिलिटी देती है हेलियम, जो कि लेस सोल्यूबल होती है, साथ में ऑक्सीजन मिलाई जाती है जिससे कि वो घुल जाए, जो घुल जाए पूरा हेलियम के साथ, पूरा उसमें मिल जाए। किस लिए मिलाई जाती है, आपको ध्यान रखना, कौन सी गैस मिलाई जाती है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है जिससे कि आसानी से ब्रीद कर सके, है ना, क्योंकि हीलियम जो हम डायरेक्टली ब्रीद करेंगे, इनहेल करेंगे तो वो घुल नहीं पाएगी, बट बाकी जो है जैसे ऑक्सीजन मिला देंगे हीलियम में तो वो मिलके पूरा अपन इनहेल कर सकते हैं, फिर एक्सहेल भी कर सकते हैं और हमारा आराम से ब्रीदिंग प्रॉपर हो सकती है। तो ऑक्सीजन मिली होती है हीलियम गैस के साथ किसके अंदर, सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, अभी आपने पढ़ा गैस जब लिक्विड में मिलाते हैं, CO2 जब किसी सोडा वाटर या किसी एरेटेड ड्रिंक्स बनाने के लिए मिलाई जाती है तो आपकी प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ये आपने पढ़ा, ठीक है। अब देखो, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब ये है अपवाद, ये है एक्सेप्शन। प्रेशर का इफेक्ट कब नहीं होता है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं। देखो, लिक्विड के अंदर आप सॉलिड मिलाओगे ऐसे करके तो सॉलिड सॉल बनता है, इसे बोलते हैं आप सॉलिड सॉल, क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो, सॉलिड सॉल बनता है, ठीक है ना, और सॉलिड में लिक्विड मिलाओगे, यानी लिक्विड को आप सॉलिड में मिलाओगे तो सोचो सॉलिड के ऊपर लिक्विड आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं आप जेल, क्या बनता है, जेल। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, याद हो जाएगा यहीं से, सॉलिड में सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो सॉलिड सॉल बनेगा, और ठीक है, और जेल बनेगा जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाओगे। तो इसने बोला है जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, यहां देख लो, सॉलिड को अपन, हाँ देखो ये रहा, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे क्या बनता है, सॉल बनता है, ठीक है, और लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे क्या बनेगा, जेल बनेगा, ठीक है। सॉलिड सॉल की जगह ऐसे सॉल कर लेना, सॉलिड सॉल सिर्फ सॉलिड एंड सॉलिड होता है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। देखो यहां से आप इसको सॉलिड की जगह सिर्फ सॉल कर लेना, बस बाकी सब ठीक है। तो सॉल एक अपवाद होता है, समझ में आई बात, जो सॉल होता है कोलाइडल मिक्सचर होता है सॉल, ये एक अपवाद होता है। अपवाद क्यों होता है, किस केस में, प्रेशर बढ़ाओगे चाहे घटाओगे, पर जो सॉल वाले
मिक्सचर्स होते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड में जहां मिलता है वो वाले मिक्सचर्स होते हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती ना घटती, ठीक है ना। देखो बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, फिर से देख लो पीछे, गैस को लिक्विड में मिलाते हैं आप कभी भी तो आपका फोम बनता है, शेविंग क्रीम्स, विप्ड क्रीम्स, इस तरह के फ्रॉथ वगैरह बनता है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, यही मैंने आपको बताया था, यही लौट के फिर के बात ही आ गई, ठीक है। अब देखो साइज ऑफ सब्सटेंस पूछता है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक आ जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस जो पढ़ना चैप्टर है, फिर एमसीक्यूज करेंगे। साइज ऑफ सब्सटेंस देखो, पदार्थ का आकार, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो घट जाती है जब भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस बढ़ता है। किसी सब्सटेंस का 23 ग्राम से 46 ग्राम अगर मास हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी अगर पहले ज्यादा थी, अभी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो, बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, याद रखना। चीज बड़ी हो गई अब कम सॉल्युबल होगी, ठीक है। तो चौथा हो गया क्या आपका, डिक्रीज हो जाती है, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इसलिए अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं वाली, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आपका जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर चालू हो गया यहाँ से, होमोजीनस था ट्रू सॉल्यूशन वो पूरा पढ़ लिया, जिसके पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर था, ठीक है ना। इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, थोड़ा बड़ा पार्टिकल साइज होता है, बट इतना भी बड़ा नहीं होता कि नीचे जाके तुरंत बैठ जाए, थोड़ा पूरे मीडियम में ऐसा फैला रहता है, जिससे कि जब भी हम उसमें से लाइट मारते हैं, लाइट क्रॉस कराते हैं उससे, तो लाइट टकरा के उन कणों के द्वारा लाइट का प्रकीर्णन हो जाता है और लाइट फैल जाती है और हमें पूरा एक रास्ता दिखता है प्रॉपर, डस्ट के पार्टिकल्स पूरे नजर आते हैं, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेटरोजीनस सिस्टम होता है, किससे बना होता है, दो फेजेस से बना होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, यानी कि सॉल्यूट जो अपन को घोलना होता है किसमें, उस माध्यम में जिसे हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एरोसोल, इमल्शन, जेल, सॉलिड सॉल, सॉल, ये सब अपन याद करेंगे अभी, मिल्क, फेस क्रीम्स, ये सब कंबाइन में दे रखे हैं, स्पॉन्जी, रबर, प्यूमेस, ब्लड, जेम्स, ये सब किसके एग्जांपल है, कोलॉइड्स के, ठीक है। यानी कि ये कैसे होते हैं, यहां देखेंगे अपन, यहां से आपको समझना है कोलॉइड्स आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना पढ़ना कैसे है, ये अपन लोगों ने जो पढ़ा है उसको रिपीट कर लेते हैं। सॉलिड को आप लिक्विड में, सोच के देखो, सॉलिड को आप लिक्विड में मिला रहे हो, कोई भारी सामान लिक्विड में डाल दिया आपने, क्या बोलेंगे उसे, उसे सिर्फ सॉल बोलेंगे, ठीक है। सॉलिड सॉल क्या होगा, सॉलिड सॉल होगा जब भी आप सॉलिड में कोई चीज मिला रहे हो, जब भी आप सॉलिड में कोई भी चीज मिला रहे हो, चाहे सॉलिड में आप ये सॉलिड मिला रहे हो, चाहे आप सॉलिड में कोई गैस मिला रहे हो, तो ये सॉलिड का सॉल है, ध्यान रखना। इसमें सॉलिड जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, उसमें कोई ना कोई चीज मिलाओगे, बची कुछ चीजें, सॉलिड या गैस, है ना। तो ये ध्यान रखना, सॉलिड सॉल बोलते हैं, सॉलिड तो इसमें एक चीज होगी, दूसरी गैस हो जाएगी, लिक्विड इसमें नहीं आता है सॉलिड सॉल में, तो ये सॉलिड सॉल हो गया। और आपके दो जो कनेक्ट करवाए थे मैंने वो देख लो, गैस एंड सॉलिड। हाँ जी कमलेश जी, गुड इवनिंग, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं एक बार, गैस इन सॉलिड या फिर लिक्विड इन सॉलिड, ये दो चीज जो अपन ने पढ़ी थी, गैस इन सॉलिड और एरोसोल का कहाँ गया, एरोसोल ये रहा, एरोसोल ये रहा, देखो ये दो चीज ध्यान रखना। एरोसोल क्या होता है, एयर का सोल्यूशन, मतलब गैस तो सॉल्वेंट रहेगा इसमें हमेशा, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, सॉलिड और लिक्विड इसमें मिला दो, सॉलिड मिलाओ गैस में चाहे लिक्विड मिलाओ गैस में, एरोसोल बनेगा हमेशा, ध्यान रखना। और लिक्विड मिलाओगे सॉलिड में, लिक्विड मिलाओगे सॉलिड में, तो सॉलिड का एक डब्बा है, इसके ऊपर आपने लिक्विड इस तरह से फैला दिया, तो ये क्या बन जाता है, जेल बन जाता है, जेल, एरोसोल हो गया। और लास्ट आपका रहता है फाइनल इमल्शन, ये हमेशा क्या होता है, ऑयल वाटर टाइप होता है या होता है वाटर ऑयल टाइप, पानी में तेल मिलाओ या तेल में पानी मिलाओ, इस तरह के दो तरह के इमल्शन होते हैं, यानी लिक्विड एंड लिक्विड होता है इमल्शन, हमेशा क्या होता है, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तो देखो ध्यान रखना, ये देख लो आप, जो कोहरा होता है, बादल होते हैं, मिस्ट होता है या इंसेक्टिसाइड स्प्रेज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड मिलाया जाता है गैस के अंदर, इनको एरोसोल्स बोला जाता है। एयर के सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं, एयर के सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब ये भी एरोसोल्स होते हैं, सॉलिड को गैस में मिला देते हो आप, तो इसका एग्जांपल अलग होता है, स्मोक,
स्मोक में क्या होता है, गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स मिले होते हैं या फिर जो धुआं होता है ऑटोमोबाइल्स का वो, ठीक है। तो यहां से आप इसको याद कर लेना ध्यान से, मैं ले लेता हूं नेक्स्ट वाला, है ना। ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशंस है, इनका एक दो तीन चार पांच और ये छह, ठीक है ना, ये तो रिपीट ही हो रहे हैं एरोसोल और सॉलिड सॉल, तो सिर्फ छह याद करने हैं। इनका कंपोजिशन क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए ढंग से, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन देगा कि सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स, ऐसे कोलॉइड्स जिसमें सॉल्वेंट जो होता है उसमें वो इजिली घुल जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो उनको बोला जाता है लायोफिलिक, फिल हो जाते हैं, ऐसे समझो फिल हो जाते हैं, सॉल्वेंट लविंग कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का जो सॉल होता है उसको आप लायोफिलिक सॉल बोलते हैं, ठीक है। अब लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होता है, ऐसे द्रव विरागी कोलॉइड जो सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, जो सॉल्वेंट में घुलते नहीं है, ऐसे पार्टिकल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं, इन्हें बोलते हैं आप गोल्ड सॉल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी और ये वाला भी, ये सॉल ऑफ स्टार्च ये गोल्ड सॉल कहलाता है जो लायोफोबिक होता है, यानी जिसको हेट्रेड होता है, फोबिक का मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है। लास्ट देख लो इसका, अगर डिस्पर्जन मीडियम यानी कह लो सॉल्वेंट जिसमें घुलना है सॉल्यूट, कोलॉइड्स के अंदर क्या है, वाटर है, अगर कोई सॉल्वेंट वाटर है कोलॉइड्स के अंदर, तो या तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा या तो हाइड्रोफिलिक होगा, या तो उस पानी में घुल जाएगा वो सॉल्यूशन, या फिर पानी में नहीं घुलेगा तो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में एक बात बोल रहा है, या तो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, तीसरी बात कोई होगी नहीं, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज में पूछे जाते हैं सवाल कुछ, कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया, इसके पार्टिकल जो होते हैं इस तरह से आपके, जैसे आपने ऑयल मिला दिया, पानी है ये, इसमें आपने ऑयल मिला दिया, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये पूरा एक जैसा पीला पीला सा नजर आएगा, यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा कभी कभी अलग दिखेगा, ऑयल अलग दिखेगा, तो इस तरह से इसको ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। और इस तरह से अगर इस पर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं अपन, तो ये पार्टिकल्स के द्वारा लाइट ऐसे फैल जाती है और एक रास्ता दिखाती है पूरा अपना, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं अलग से चमकते हैं, तो यही टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। पार्टिकल्स के द्वारा लाइट के, लाइट का प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे पार्टिकल्स जो ऊपर तक रहते हैं फैले हुए, नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते हैं सस्पेंशन की तरह, ठीक है। हाँ, पानी नीचे रह जाएगा ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा, हाँ ये कंडीशन तब है वेंकट जी जो आप बोल रहे हो ना, पानी नीचे रह जाएगा ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा, जब आप उसको खाली घोलने के बाद, स्टिर करने के बाद लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, ठीक है ना। सस्पेंडेड सॉल्यूशंस में भी ऐसा होता है, जब आप एकदम से मिट्टी डालते हो तो मिट्टी एकदम से नीचे जाके नहीं बैठती, कुछ समय लगता है, तो जब वो समय लग रहा होता है तब सस्पेंडेड सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो कर देता है, लेकिन जब मिट्टी नीचे जाके बैठ जाती है ना, तो उसके बाद वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो दोनों कंडीशन से अपने डिपेंड करती है। अब देखो, ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है कौन, कोलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा, क्यों, क्योंकि जो कंटिन्यू जिगजैग मोशन होता है, ऐसा मोशन होता है इनके पार्टिकल्स का, कोलॉइडल पार्टिकल्स का, उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनी गति बोलते हैं। इसको किसने ऑब्जर्व किया था पूछ लेगा एग्जाम में, ब्रिटिश बोटेनिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि इनके पार्टिकल साइज की वजह से ये ऐसा मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन और ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। देखो, ये जो मोशन होता है इनका, ऐसा जिगजैग मोशन होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल पार्टिकल्स का, कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के साइज में वेरी करने वाले पार्टिकल्स, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होता है कोलॉइड के नेचर पे, ये डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, साइज ऑफ द पार्टिकल्स अगर इसके बीच का होगा तो ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, है ना, क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल्स स्मॉल है ना, स्मॉल का मतलब होता है विस्कोसिटी उसकी क्या है, कम होगी। श्यानता जो होती है, अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, ध्यान रखना, वो मोशन तेजी से कर सकता है, वो सरक सरक के नहीं चलेगा। और स्मॉलर द साइज होगा तो लिखा हुआ है लेसर इज द विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी कम होगी तो मोशन फास्टर करेगा। इसलिए सस्पेंशंस एंड ट्रू सॉल्यूशंस ब्राउनियन मूवमेंट नहीं शो करते, ये आपको ध्यान रखना है, डू नॉट शो द ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत हैवी होते हैं और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते, वो घुल जाते हैं पूरे उसमें सॉल्वेंट में, ठीक है। तीनों बात समझ में आ गई कि ब्राउनियन मूवमेंट शो कौन करता है, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल साइज की वजह से सिर्फ। हाँ, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी कर रखते हैं,
ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करके रखते हैं, इनके पास एक चार्ज होता है, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है देखो, हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर इज पॉजिटिवली चार्ज सॉल। क्वेश्चन पूछ सकता है हेमोग्लोबिन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल होता है। सॉल का मतलब क्या होता है, सॉल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, बताओ क्या होता है। सॉलिड जब लिक्विड में मिला होता है उसको अपन सॉल बोलते हैं। तो हेमोग्लोबिन क्या है, एक सॉल है ना, और कोलोइडल कोलोइडल मिक्सचर है ये। सॉलिड जब लिक्विड में मिला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला मुदित ने, आयरन जैसे कुछ इस तरह की चीजें जो मिली होती है लिक्विड के अंदर उसे हम सॉल बोलते हैं। व्हाइल सॉल्स ऑफ स्टार्च गम जिलेटिन क्ले चारकोल आर नेगेटिवली चार्ज सॉल्स, ध्यान रखना ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। जैसे मंड हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, क्ले हो गई, चारकोल हो गई, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है कोलोइडल पार्टिकल्स पर, नेगेटिव भी होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, जीरो चार्ज यानी उदासीन इनका चार्ज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लो, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलॉइड ऑन एडिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोएगुलेशन, ठीक है। जो कोलॉइड होता है, लाइक ब्लड को ले लो, आपके किसी के चोट लगी है, खून निकल रहा है, अगर हम थोड़ा सा उस पर क्या डिटॉल लगाएंगे, है ना, तो डिटॉल में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे डिटॉल उसके अंदर जाएगा तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, यानी उसके ऊपर एक खाल आना स्टार्ट हो जाएगी, उसी को बोलते हैं अपन स्कंदन, रक्त का रुक जाना और अंदर की तरफ उसको स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करना, बाहर से खाल का ढक जाना। तो ये प्रेसिपिटेट एक जो है स्किन के ऊपर फॉर्म हो जाता है, वही इसको क्या कवर अप करता रहता है, तो ये क्या होता है, इसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एलम फिटकरी जो होती है या फेरिक क्लोराइड होता है ना, फिटकरी या फेरिक क्लोराइड जो होता है इनको माइनर एक्स यानी कहीं कहीं जो कट लग जाता है वहां पर लगाया जाता है, फिटकरी को लगाते हैं ना, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो एक तरह से ब्लड के अंदर मिक्स होता है, और ब्लड क्या होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, सॉल कहते हैं ब्लड को, अभी बताया था मैंने, सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। तो ब्लीडिंग एकदम से स्टॉप हो जाती है क्योंकि ब्लड जो होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, रक्त का स्कंदन हो जाता है, ठीक है ना, स्टॉप ब्लीडिंग बाय कोएगुलेटिंग द ब्लड। तो ये कहानी रही किसकी, कोलोइडल सॉल्यूशंस की। अब थोड़ा सा इसमें कोलोइडल सॉल्यूशंस में एक वर्ड होता है इमल्शंस, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इमल्शंस लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे ऑयल में वाटर मिलाओ चाहे वाटर में ऑयल मिलाओ, ठीक है ना, सबसे पहली बात। और कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है, फिर से बता दिया। दे आर लिक्विड टू लिक्विड कोलोइडल सिस्टम्स, इन्हें बोला जाता है आपके इमल्शंस, ठीक है, लिक्विड टू लिक्विड। अगर कोई मिक्सचर में दो नहीं घुलने वाले पार्टिकल्स हैं या थोड़ा थोड़ा घुलने वाले लिक्विड्स हैं, है ना, यानी थोड़ा थोड़ा घुलने वाले लिक्विड्स हैं और एक नहीं घुलने वाले लिक्विड्स हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया, है ना, वाटर एंड पेट्रोल लोगे तो ज्यादा घुल जाएगा, ऑयल एंड वाटर लोगे तो कम घुलेगा, ऐसा बोल रहा है। और फिर उसको अपन शेक करते हैं मिलाने के बाद, तो एक इमल्शन मिलता है अपन को, ठीक है। दीज आर जनरली स्टेबलाइज्ड बाय, इनको स्टेबल कैसे किया जाता है, मतलब इनको इनका कंपोजिशन एक जैसा कैसे किया जाता है कि ऑयल अलग नहीं दिखे, वाटर अलग नहीं दिखे, अपन इनके अंदर मिलाते हैं इमल्सिफायर्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, जो इनके इनको स्टेबल करता है। जैसे कि प्रोटीन मिलाया जाता है, गम मिलाया जाता है, सोप मिलाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सोप है, जो क्या करता है, अगर आप करके देखना खुद घर पे, ऑयल में अगर आप वाटर मिलाओगे, ऑयल ऊपर चला जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर आपने उसमें सोप मिला दिया और थोड़ा सा उसको घोल दिया तो आपको पूरा पीला सॉल्यूशन मिलेगा ऊपर से नीचे तक। तो सोप कैसा काम करेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट का, पूरा एक जैसा एक सार कर देगा आपका क्या, पूरा सॉल्यूशन, इनको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स या इमल्सिफायर्स। या अल्कोहल एग्जांपल होता है, तो एग्जांपल याद रखने हैं, प्रोटीन, गम, सोप, अल्कोहल, ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इमल्शंस, इमल्शन दो तरह के होते हैं, या तो ऑयल मिलाओ वाटर में, मैंने बताया था ओडब्ल्यू टाइप, या फिर वाटर मिलाओ ऑयल में, यानी वाटर ऑयल टाइप, ठीक है। मिल्क वेनिशिंग क्रीम, ये किसके उदाहरण है, ऑयल वाटर टाइप इमल्शंस के उदाहरण है, मिल्क वेनिशिंग क्रीम, ठीक है। में वेनिशिंग क्रीम होती है लाइक हेयर क्रीम, वो वाली क्रीम मत ले लेना, जैसे शेविंग क्रीम वगैरह मत ले लेना, है ना, वो फोम होता है, ठीक है। मिल्क जैसे वेनिशिंग क्रीम, जैसे चेहरे वेरे पे लगाने की जो कॉस्मेटिक क्रीम होती है, ये सब वेनिशिंग क्रीम होती है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, जब हम ऑयल को वाटर में मिलाते हैं, याद रखना है आपको। मिल्क के अंदर क्या होता है, लिक्विड फैट जो होता है वो पानी में डिस्पर्स्ड होता है, यानी सॉल्यूट क्या होता है, फैट होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है,
ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, इसको याद रखना। पानी सॉल्वेंट होता है और फैट मिला होता है, उसको अपन मिल्क बोलते हैं। बट जो बटर होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है वो मिला होता है किसके अंदर, फैट के अंदर, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट। तो सॉल्यूट होता है वाटर और फैट होता है आपका सॉल्वेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बटर एंड क्रीम आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर ऑयल टाइप इमल्शंस, बटर एंड क्रीम याद रखना है, ठीक है। वैनिशिंग क्रीम ऑयल वाटर का है और बटर एंड क्रीम किसका है, वाटर ऑयल का है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इमल्शन की। ये फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स होते हैं, एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड के बहुत बारीक बारीक कण मिले हुए होते हैं, ठीक है। इमल्शन क्या शो करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि ये कोलाइडी सॉल्यूशन है तो ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, इसके पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करेंगे ही करेंगे। टिंडल इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल सही बात है। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। इनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय हीटिंग। देखो इमल्शंस को कैसे अलग अलग किया जाए, पानी और तेल को कैसे अलग किया जाए, पानी और पेट्रोल को कैसे अलग करा जाए, बहुत इजी तरीका होता है। मैंने बताया था हेट्रोजीनस जितने भी मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होते हैं होमोजीनस को छोड़ के, वो इजीली सेपरेटेड हो जाते हैं, इजीली सेपरेट हो सकते हैं, है ना, इजीली सेपरेबल ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कौन कौन सी प्रोसेस होती है, हीट, आग लगा दोगे तो पेट्रोल उड़ जाएगा, पानी रह जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। फ्रीज कर दोगे, ठंडा कर दोगे, सेंट्रीफ्यूगिंग, या सेंट्रीफ्यूजिंग मतलब होता है लाइक आप उसको मिक्सी में चला दो एक तरह से, तो फ्रॉथ ऊपर निकल आएगा, तो एक लिक्विड अलग चला जाएगा, एक लिक्विड अलग आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका इमल्शन खत्म हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हुआ, लास्ट टॉपिक है आज का सस्पेंशन, इसे पढ़ते हैं, एमसीक्यूज करेंगे और चैप्टर पूरा फिनिश, ठीक है। भावना गुड इवनिंग, वेलकम, बहुत जल्दी आया, देर आया, दुरुस्त आए, बच्चे बहुत कम है, मुझे पता है इस चैनल पर नया हूं मैं, इट्स ओके, बट इट्स वेरी वेरी ओके, जब देखेंगे तो समझ में आएगा क्या पढ़ाया गया, ठीक है। तो पूरा चैप्टर पढ़ाया था कल भी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है भैया, और आज पढ़ा दिया पूरा आपको क्या, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स, एक एक चीज इसको पूरा देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि बारीक बारीक चीजें वहां से क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। 30% थ्योरी भी काम आती है, 70% एमसीक्यूज आते तो हैं, ठीक है ना, वो भी काम आते हैं, दोनों ही काम आते हैं मिलके। सस्पेंशन देखो क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, लास्ट एंड फाइनल हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं घुलते हैं, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, पूरे बल्क में, जैसे चौक वाटर है ना, चौक का पानी जो होता है, पानी में चौक मिला दो नहीं घुलेगा। पॉल्यूटेड वाटर ऑफ रिवर, नदी का जो गंदा पानी होता है उसमें कूड़ा नीचे आ जाता है, बिल्कुल नहीं घुलेगा। स्मोक इन एटमॉस्फेरिक एयर, जो वायुमंडलीय हवा होती है उसके अंदर जो धुआं होता है वो नहीं घुलता है। मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी, कीचड़ भला कहां से घुल जाएगा, ठीक है ना। आप मार्शी रीजन में चले जाओ, दलदली क्षेत्र में चले जाओ, वो सब सस्पेंडेड सोल्यूशन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, ये सब याद करने हैं भैया, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखा हुआ है, सब बार बार पढ़ के बता रहा हूँ, इससे पहले जितने भी पढ़ के बताए सब याद कर लेना, और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पूछ ले तो मुझसे बात कर लेना। सारा ले लिया पूरा एनसीईआरटी कंबाइन विद एसएससी, राइट, एनसीईआरटी प्लस एसएससी मिलके पढ़ाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे मेरे द्वारा, अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है, एनसीईआरटी और एसएससी मिलके ही आपकी बात बन पाएगी पूरी 100%। सस्पेंशन हो गया, इनके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, आप बोल सकते हो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होते हैं। अब ध्यान रखना, ये टिंडल इफेक्ट शो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। रीजन क्या है, अगर 1000 से थोड़ा आसपास होगा पार्टिकल साइज तो क्या होगा, एकदम से जाके बैठेगा नहीं वो नीचे, मिट्टी हल्की हुई बहुत तो मिट्टी बीच में रहेगी थोड़ी थोड़ी, उस टाइम पे तो टिंडल इफेक्ट शो कर देंगे, बट अगर 1000 से काफी ज्यादा हुआ साइज तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट पूरा बता दिया मैंने आज के सेशन में, ठीक है। अब मुझे एमसीक्यूज भी करना है जल्दी से, एक बार इसको देख लो प्रॉपर्टीज की। ये पॉइंट क्लियर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, बिल्कुल क्लियर है। निलंबन के गुणधर्म, पार्टिकल साइज क्या होता है, ऐसा होता है जिनको हम नेक्ड आईज यानी नग्न आंखों से देख सकते हैं, ऐसा पार्टिकल साइज होता है। कोलाइडी सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स को अपन किससे देखते हैं, उसके पार्टिकल्स को अपन किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपन देख ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि पूरे घुल जाते हैं। साइज का ऑर्डर देख लो, 10^-5 सेंटीमीटर, वैसे आपको बता दिया मैंने साइज क्या है, ठीक है। पाथ विजिबल होता भी है नहीं भी होता है, टिंडल इफेक्ट वाला टॉपिक है, टिंडल इफेक्ट दिखाता भी है नहीं भी दिखाता। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब भी सस्पेंडेड सॉल्यूशन में, जैसे आपने पानी में क्या मिलाई, मिट्टी मिलाई है ना, सॉइल आपने ऐसे करके पानी में डाली, ये वाटर है,
और फिर इसको आपने एक घंटे तक ऐसे छोड़ दिया, तो आप देखोगे सॉल्ट यहाँ पे मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी पानी के अंदर, पानी के अंदर मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, उस केस में आप बोल सकते हो सेटल डाउन हो जाते हैं। इनको सेपरेट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, किससे? सिर्फ फिल्ट्रेशन से। सिर्फ फिल्ट्रेशन से आप सस्पेंडेड सॉल्यूशन को इसको फिल्टर कर लो, चलने लगा के छान लो, मिट्टी रह जाएगी, पानी अलग निकल जाएगा, पार्टिकल साइज बड़ा होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसको आप कैसे सेपरेट करोगे? हीट करके, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिंग करके। ये लिखा हुआ था देख लो दोबारा से, ये देखो यहाँ पे हीटिंग करके, पेट्रोल से अलग करना है पानी, फ्रीज करके, सेंट्रीफ्यूजिंग करके, तीन तरीके, ठीक है। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं आज के, यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा फिनिश होता है, सारे टॉपिक्स तो सब ले लिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपका एमसीक्यू आज का फटाफट। व्हाट इज करेक्ट अबाउट सॉल्यूशन, बताओ सॉल्यूशन के लिए कौन सी करेक्ट बात है इनमें से, जल्दी जल्दी करेंगे। सॉल्यूशन होमोजेनस होते हैं क्या? सॉल्यूशन मतलब होता है सर ट्रू सॉल्व, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ढंग से बताया था क्या होता है, क्या ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, क्या ये एक फिजिकल प्रोसेस से बनता है, सॉल्यूशन हमेशा एक फिजिकल प्रोसेस से बनता है क्या, ये आपको बताना है। फिजिकल प्रोसेस मतलब हाथों से उठा के मिला दिया और घोल दिया, ऐसे बनता है क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, कॉलेज से आए हो तो इसका रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, एक ही बात है। द कॉन्स्टिट्यूएंट इन लार्ज प्रपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा प्रपोर्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, घटक होता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं, इसको भी ऐसा होमोजेनस होता है, फिजिकल प्रोसेस से आप पानी में चीनी घोल दोगे तो ट्रू सॉल्व बन जाएगा, और बड़ा जो होता है क्वांटिटी में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड पे आओ, आइडेंटिफाई बताना है आपको सॉल्यूशन के बारे में अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, इन सभी मिश्रणों में से सॉल्यूशन कौन सा है। सॉल्यूशन का मतलब फिर बता रहा हूं क्या होता है, ट्रू सॉल्व होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें चीजें बिल्कुल फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिल जाएं और घुल के डिसअपियर हो जाएं। यानी जब आप गन पाउडर की बात करते हो तो कॉपर, जिंक, निकल, ये तो मतलब ही नहीं है, इसमें तो अलग अलग दिख रहा है आपको सब कुछ, हेट्रोजीनस से आंसर नहीं होगा। सॉइल, मिट्टी अपने आप में हेट्रोजीनस होती है, ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनस होता है, एरेटेड वाटर, CO2 मिलाते हो जब आप किसमें, सोडा वाटर में या नॉर्मल वाटर में उसको एनर्जाइज करने के लिए, तो ये क्या है, एक CO2 उसमें घुल जाएगी पूरी, होमोजीनस मिक्सचर है। सेकेंड का आंसर हो जाएगा डी। थर्ड पे आ जाओ, जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्यूट का ट्रू सॉल्यूशन में वो किस ऑर्डर का होता है, सॉल्यूट का पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में किस ऑर्डर का होता है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्यूट का पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है, जिसको हम बोलते हैं 10^-9 meter, ठीक है। थर्ड का हो गया डी। फोर्थ पे आओ, आपको ऑर्डर बताना है सॉल्यूट पार्टिकल साइज का, सबसे बड़ा होता है सस्पेंशन, उससे छोटा होता है कोलॉइड, उससे छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ये होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का, ये होता है 1 नैनोमीटर का, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी। चलो फिफ्थ पे आओ, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस, इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस कैसे बता सकते हो आप? एक ही तरीका है, पूरी थ्योरी में पढ़ाया था, एक ही तरीका है जिससे बता सकते हो कि सॉल्यूशन ट्रू सॉल्व है, कोलॉइड है, या फिर सस्पेंडेड सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, वो होता है कण का साइज, वही डिपेंड करता है तीनों पर। आंसर हो जाएगा आंख बंद करके डिफरेंट पार्टिकल साइज, फिफ्थ का ए, ठीक है। सिक्स्थ पे आ जाओ, बताओ फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड इफ सॉल्यूट पार्टिकल साइजेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस तभी आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं जब जब आपका सस्पेंडेड सॉल्यूशन हो, पार्टिकल साइज जो होता है वो ग्रेटर देन -10 centimeter का ऑर्डर का हो। वैसे तो 10^-5 centimeter से बड़ा जो होता है वही सस्पेंडेड सॉल्यूशन कहलाता है, या फिर 1000 नैनोमीटर से बड़ा पार्टिकल साइज होगा, दोनों ही कंडीशन सही है। इधर ग्रेटर देन 10^-7 centimeter दे रखा है, आंसर कर देना क्योंकि ये भी अप्रोक्स आंसर सही आएगा। छठे का आंसर हो गया ए, ठीक है। सातवें पे आ जाओ, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम अनसैचुरेटेड में, कैसे? अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम बिना तापमान बढ़ाए कैपेसिटी से ज्यादा चीनी घोल सकते हैं पानी के अंदर, कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्वेंट में सॉल्यूट घोल सकते हैं। लेकिन अगर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जो कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट में आप अधिकतम चीनी घोल सकते हो पानी में, इससे ज्यादा घोलोगे तो नहीं घुलेगी, आपने क्या करा, अगर तापमान बढ़ा दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन का तो वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसमें एक्सेस में चीनी घोल सकते हो बाय इंक्रीजिंग ओनली टेम्परेचर।
by increasing with the help of increasing temperature, you can convert a saturated solution, which says that the maximum amount of solute dissolved in a solvent in a solution, अगर उसमें हम तापमान इंक्रीज कर देते हैं तो आप मैक्सिमम से भी ज्यादा चीनी घोल सकते हो और बन जाएगा वो अनसैचुरेटेड। बात सही है, सेवंथ का भी। चलो एट पे जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड गैस। अब तो याद होना चाहिए, एक गैस है उसमें आप सॉलिड मिला रहे हो, सॉलिड मिला रहे हो गैस में। भाई गैस में अगर आप सॉलिड मिलाओ चाहे लिक्विड मिलाओ, एक गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा जिसको आप बोलते हैं एयर, यानी एयर सॉल। ठीक है, एयर्स का सॉल। तो सॉलिड मिलाओ गैस में या लिक्विड मिलाओ एरोसोल बनेगा, उसको आप बोल देते हैं। इस सबको देखते हैं अगर अपन, तो अपना जो एरोसोल जो बनता है वो बनता है सिर्फ किसमें, आयोडीन इन एयर में। जब आप एयर में आयोडीन मिलाते हो, क्योंकि ये सॉलिड है और ये गैस है। ठीक है, क्लाउड्स में नहीं होता, क्लाउड्स में आपका कुछ और होता है। ठीक है, और आपका ब्लू विट्रियोल नहीं होता, एरेटेड ड्रिंक्स नहीं होता, होमोजेनस मिक्सचर होता है। नाइन्थ पे आ जाओ, क्लाउड्स एंड फॉग किसके एग्जांपल्स होते हैं, किस सॉल्यूशन के? क्लाउड्स एंड फॉग एक ही सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं जब लिक्विड में आप मिक्स करते हो, क्या लिक्विड को मिक्स करते हो किसमें आप, गैस में। जब आप लिक्विड को गैस में मिक्स करते हो तो ये वाला एरोसोल होता है। ठीक है ना, तो क्लाउड्स एंड फॉग भी एरोसोल्स के ही एग्जाम्पल हैं, बट फर्क क्या है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? देखो पिछला जो एरोसोल था वो कौन सा वाला था, वो था सॉलिड एंड गैस वाला एरोसोल, आंसर था ये, है ना। जो क्लाउड्स था वो लिक्विड एंड गैस वाला एरोसोल होता है, इतना सा फर्क है। लिक्विड एंड गैस वाला एरोसोल होता है क्लाउड्स या फिर फॉग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहां से। आ जाओ, एक ऐसा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें अधिकतम अमाउंट में आप सॉल्यूट मिला दो और वो उतनी ही डिजोल्व हो जाए एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर और एक पर्टिकुलर तापमान पे। तो अधिकतम अमाउंट में आराम से चीजें घुल रही हैं सॉल्वेंट के अंदर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, संतुप्त समाधान, ठीक है ना, या फिर विलयन। ठीक है, चलो, और ये आपका हो गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, 11th पे आ जाओ। द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन इज, सांद्रता को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे इजी वे कौन सा है? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में बताया था। अब जो मोलैरिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सबसे आसान तरीका सांद्रता बताने का यही होता है, इसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी स्मॉल एम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। 11th का भी आंसर होगा, 12th पे आ जाओ। से बोल रहा है अब कौन से इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सांद्रता होती है किसी सॉल्यूशन की वो तापमान पर डिपेंड ही नहीं करती, किस केस में अपन ये चीज बोल सकते हैं? तापमान बढ़ाओ चाहे घटाओ आपकी सांद्रता जो होती है वो क्या रहती है, सेम ही रहती है हमेशा, तापमान पर डिपेंड नहीं करती, तो वो नहीं करती तो मोलैलिटी नहीं करती है। ठीक है ना, स्मॉल एम जो होता है ना, ये तापमान के बढ़ने घटने पर डिपेंड नहीं करती, बाकी मोलैरिटी जो होती है डिपेंड करती है, मोलैलिटी डिपेंड नहीं करती तापमान के बढ़ने घटने पर। ठीक है ना, इसकी सांद्रता जो होती है। 13 पे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बताया था थ्योरी के टाइम पे, उसे अपन मोलैरिटी ही बोलते हैं, कैपिटल एम, ये इसकी डेफिनेशन होती है, क्वेश्चन में दे रखी है, उसका आंसर है मोलैरिटी। 13 का हो गया आपका सी। 14 पे आ जाओ, अब आपसे मोलैरिटी कैलकुलेट करने को पूछ रहा है, तो कह रहा है 8 ग्राम गिवन क्वांटिटी है NaOH की। ठीक है, तो मोलैरिटी निकालते हैं अपन कैसे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले सॉल्यूट के, उसको डिवाइड करते हैं 1 लीटर वॉल्यूम से। मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मोल्स निकालने का तरीका होता है जो आपको गिवन ग्राम क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी जो है जिस भी जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको डिवाइड कर दो किससे, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, गिवन क्वांटिटी कितनी है 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है NaOH का, निकाल दो, बहुत आसान है,
एन ए का 23 होता है, प्लस करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पाएंगे तो ऑक्सीजन का 16 हो गया, प्लस करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पाएंगे तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, 23, 10, 33, 39 और 1, 40 इसका मोलिकुलर मास होता है। तो 8 × 5 = 40, 1/5 जो है 0.2 मोल्स प्रेजेंट होंगे 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मोल्स, हमेशा एक मोल का मतलब यह होता है जितना उसका मोलिकुलर मास हो, यानी एक मोल NaOH का मतलब यह है कि 40 ग्राम NaOH, यानी 0.2 मोल का मतलब है कि 8 ग्राम NaOH। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 0.2 डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और जो मोल पर लीटर होता है वही आपकी होती है मोलैरिटी, जिसको अपन बोल देते हैं 0.2 कैपिटल M। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ये, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी। चलो अंदर पे आ जाओ, मतलब भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं, लाइक सॉल्यूशन है एक ए एक बी है, जिनके जो ओस्मोटिक प्रेशर होंगे, ओस्मोटिक प्रेशर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन में, यानी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, वो आपको पता ही है ओस्मोटिक प्रेशर होता है। तो जो हाई कंसेंट्रेशन रीजन से ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र पे जब चीजें मूव करती हैं तो वो ओस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। और जब लो से हाई की तरफ मूव करेगा तो उसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आइसोटोनिक मतलब सेम ओस्मोटिक प्रेशर, और सेम ओस्मोटिक प्रेशर तभी होगा जब कंसेंट्रेशन का डिफरेंस जो होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होगा, डेल बोल सकते हैं, ठीक है ना, कंसेंट्रेशन जो फाइनल माइनस इनिशियल कुछ भी बोल सकते, डिफरेंस होगा वो दोनों सॉल्यूशंस का सेम होगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल सेम कंसेंट्रेशन से सेम कंसेंट्रेशन में मूव करेंगे, मतलब कंपैरिजन में हायर से लो जितना था ए का उतना ही हायर से कंसेंट्रेशन लो पे जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बी का। तो ये बोलते हैं अपन मोलर कंसेंट्रेशन इनका सेम रहता है, बी 15 का आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, बी मोलर कंसेंट्रेशन। 16 पे आ जाओ, हाँ, ब्लड जो है वो आइसोटोनिक मिलता है, उसका कंसेंट्रेशन मोलर कंसेंट्रेशन किसके जैसा होता है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि ब्लड किसके जैसा आइसोटोनिक होता है, बताओ किसके जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का, तो वो होता है नॉर्मल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है, नॉर्मल NaCl, उसके जैसा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या मोलर कंसेंट्रेशन होता है, इसी वजह से आइसोटोनिक होता है ब्लड किसके किसके साथ, NaCl के साथ। 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 17 पे आ जाओ, solubility of a substance is defined as the amount of solute in gram. तो solubility होती है substance की, वो क्या होती है, amount of solute in grams, the amount of quantity of solute जो present होती है grams में, divide by क्या होता है, मैंने आपको बताया था, divide by solvent 100 gram. 100 gram solvent में कितने amount of solute gram में present है, 100 gram solvent के अंदर। तो पहला ही answer हो जाएगा सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी किस किस से अफेक्टेड होती है, किससे नहीं होती, मैंने आपको आज सेशन में पूरा बताया, देख लेना एक बार जाके। 17वां क्वेश्चन ये रहा आपका, यहाँ कंप्लीट होता है। 18वें पे आ जाओ, आ गया क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी होती है गैस इन लिक्विड की, ये इंक्रीज करती है कब, देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस इन लिक्विड की तभी इंक्रीज करती है जब प्रेशर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था प्रेशर इंक्रीज होने के, वैसे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता किसी चीज पे, बट प्रेशर का इफेक्ट जब भी गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, अपन गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, देखो तो लिक्विड को गैस में मिलाते हैं तो बनता है एरोसोल, और गैस को अगर आप लिक्विड में मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, देख लो फटाफट से, अगर भूल गए हो तो जल्दी देख लो, कंपेयर कर लो यहां देख के फटाफट। ये रहा आपका, हाँ, गैस को मिलाओगे लिक्विड में, देखो ये रहा, गैस को मिलाओगे लिक्विड में बन जाएगा फोम, ये रहा देखो फोम, गैस को मिलाओगे लिक्विड में क्या बन जाएगा, फोम। ठीक है ना, जैसे कि शेविंग क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, ये सब बन जाएंगे, गैस को लिक्विड में मिलाओगे बन जाएगा फोम, इसका इफेक्ट होता है। जब भी गैस को लिक्विड में मिलाएंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेशर जो है इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी शेविंग क्रीम की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो, लेकिन तापमान बढ़ाओगे, वैसे तापमान के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बस इस सॉल्यूशन की नहीं बढ़ती है, फोम की, इसकी नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
ठीक है ना, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आ चुका एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा सी, डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, 18 का सी। 19 पे आ जाओ, एट हाई अल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स बिकॉज, ऊंचाइयों पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो कम कैसे हो जाता है। सिंपल सा इसका आंसर ध्यान रखना, टेम्परेचर लो होने की वजह से नहीं, प्रेशर लो होने की वजह से। जब पहले प्रेशर लो होता है तब तापमान कम जाता है, पहले प्रेशर जो होता है वो लो होता है तब तापमान कम जाता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गे लुसैक लॉ, गैशियस लॉ, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लो होता है इस वजह से। 20th पे आ जाओ, एग्जाम्पल बताने आपको सस्पेंशन के, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर वाले कण जो होते हैं वो बनाते हैं सस्पेंडेड सॉल्यूशन। मडी वाटर, मटमैला पानी, बिल्कुल सही है। स्लेक्ड लाइम, ढला हुआ चूना, बिल्कुल सही है। सीमेंट जैसा होता है, गीला चूना जैसे बोलते हैं। पेंट्स, बिल्कुल सही है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, तो सभी सही है ये, ठीक है ना, ये सब पढ़े थे। 20 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको लिया जाता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी इसको अपन बोलते हैं एंटा एसिड, जब एसिडिटी हो जाती है पेट में, इसको लिया जाता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है सर। 21 का हो गया सी। हाँ, अब जो कीचड़ का पानी होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए अपन फिटकरी डाल देते हैं उसमें, तो फिटकरी क्या करता है, कीचड़ को अपनी तरफ सोख लेती है, अपनी तरफ अपने ऊपर प्रेसिपिटेट बना लेती है, किसका, कीचड़ की जो पार्टिकल्स हैं, जिससे कीचड़ से पानी अलग हो जाएगा। मडी वाटर मतलब कीचड़ नहीं एग्जैक्टली, क्या मिट्टी मिली है थोड़ी, वैसे मटमैला सा हो रहा पानी, तो मिट्टी नीचे नीचे रह जाएगी, किसके पास, एलम के पास, यानी फिटकरी के पास, तो इसको बोलते हैं अपन कोएगुलेशन। जैसे मैंने बताया था, खून निकलता है, अगर बॉडी में से खून निकलता है और अपन ऊपर से उसमें फिटकरी लगाते हैं, तो खून जो होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जैसे कीचड़ है, मड है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे उससे क्या मिलेगा जाके, क्या, फिटकरी, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा चार्ज कैरी करते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो जैसे ही उस पर ऐड होगा उसमें जाके, कौन, फिटकरी, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड में जाके या फिर इस कीचड़ में जाके, तो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और वो वहां पे क्या कर लेंगे, एक कवरिंग बना लेंगे अपने ऊपर, एक अपना एरिया डिसाइड कर लेंगे, उसे कवर कर देंगे। यानी कि इस तरह से वाटर प्योरीफाई हो जाता है कोएगुलेशन स्कंदन प्रोसेस से, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। 23 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ सस्पेंशन विद वॉटर एट ऑल टेम्परेचर, हर तापमान पे कौन वॉटर के साथ में सस्पेंशन बना सकता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मड या स्टार्च। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पानी के साथ में हमेशा हर तापमान पे सस्पेंडेड सॉल्यूशन बनाएगा, तो वो है कीचड़। कीचड़ को कभी भी डाल देना पानी के अंदर, हमेशा वो सस्पेंडेड सॉल्यूशन ही बनाएगी, बाकी का बना भी सकता है, नहीं बना सकता, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। कीचड़ की कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, हमेशा क्या बनाएगा, सस्पेंडेड सॉल्यूशन बनाएगा। 23 का हो गया सी। 24 पे जाओ, कम बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया होगा, बटर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, बटर है ना, बटर कैसा होता है, वाटर ऑयल टाइप सॉल्यूशन होता है, इसको हम इमल्शन भी बोलते हैं, है ना, लिक्विड एंड लिक्विड, वाटर में ऑयल मिला दो ऐसा सॉल्यूशन होता है। तो वाटर में आपने क्या डिस्पर्स किया, फैट, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फ्लूइड, वाटर में ऑयल नहीं मिलाना, वाटर को ऑयल में मिलाना है, तो इधर जो ऑयल का काम कर रहा है वो फैट कर रहा है, ध्यान रखना। तो पानी को आपने फैट में ऑयल में मिलाया, बन गया आपका क्या, बटर। दिस इज हाउ वी कैन से बटर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई उससे, इसके हिसाब से मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, समझा चुका हूँ स्टार्टिंग के 40-45 मिनट में पूरा का पूरा, और उसको याद कर लेना। 25 में देख लो, बताओ, अब तो आसान हो गया सवाल आपके लिए, इमल्शन कैसा कोलोइड होता है, लिक्विड एंड लिक्विड होता है, पता है ना अपन को कैसा होता है, लिक्विड एंड लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड इन गैस क्या होता है, एरोसोल होता है, एरोसोल होता है ना। गैस इन सॉलिड क्या होता है, अगर हम सॉलिड में गैस मिलाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, बताओ इसका आंसर। और गैस इन लिक्विड क्या होता है, ये आपको बताया अभी, फोम होता है, ठीक है ना। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन होता है, ठीक है। सॉलिड इन गैस हो या गैस इन सॉलिड हो, सॉलिड इन सॉलिड हो, याद रखना, सॉलिड सॉलिड में मिलाओ या गैस सॉलिड में मिलाओ, अगर लास्ट में सॉलिड आ रहा है तो हमेशा सॉल का नाम होगा सॉलिड सॉल, क्या नाम होगा, सॉलिड सॉल। ऐसी लास्ट में जब भी गैस आ रहा है, लिक्विड इन गैस हो चाहे एरोसोल हो गया ना, हाँ ठीक है, या फिर सॉलिड इन गैस हो, तब भी आपका क्या कहलाएगा, एरोसोल कहलाएगा, याद रखना सारे। 25 का हो गया बी।
दिस द सॉल्यूशन ऑफ रबर इज एन एग्जांपल ऑफ, रबर का जो सॉल्यूशन होता है, रबर मिली हो किसी चीज में सॉल्वेंट में, उसे क्या बोलते हैं आप, रबर का सॉल्यूशन जो होता है उसे बोलते हैं आप मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड। एक स्वभाव के हिसाब से रबर बड़ी होती है, क्लियर विजिबल होती है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, तो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड बोलते हैं इसको। ठीक है, 27 पे आ जाओ। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोप इन वॉटर, जब सोप की कंसेंट्रेशन, साबुन की जो सांद्रता है पानी के अंदर ज्यादा हो जाए तो सोप कैसे बिहेव करता है, ठीक है ना, सोप पानी के साथ एसोसिएशन कर लेता है, क्या कर लेता है, संबंध बना लेता है, विलयन कर लेता है, हम बोलते हैं इसको एसोसिएटेड कोलॉइड। ठीक है ना, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस होती है, हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, सेपोनिफिकेशन में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ढंग से पढ़ेंगे उस चैप्टर को, तो ठीक है चलो। 28 नेचुरल कोलॉइड क्या होता है, प्राकृतिक कोलॉइड कैसे बोलते हैं, प्राकृतिक कोलॉइड इन सभी में से अगर देखा जाए तो आपका होता है क्या, ब्लड जो नेचुरली अपना प्योरीफाई होता रहता है, बनता रहता है, ऐसा कोलॉइड। तो नेचुरल का मतलब है जो खुद ही बनता रहे और इम्प्योर होता रहे प्योर होता रहे, इम्प्योर होता रहे प्योर होता रहे, उसे बोलते हैं ब्लड नेचुरल कोलॉइड। ठीक है, 29th क्वेश्चन, आई थिंक इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है, कभी नहीं करेगा, पोटाश एलम एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है, यानी फिटकरी को पानी मिला रहे हो तो फिटकरी नीचे जाके बैठ जाएगी, हाइड्रो तो है लेकिन प्रॉपर कैसा है, बहुत ज्यादा पार्टिकल साइज है पोटाश का, है ना, एलम का, यानी एक सस्पेंडेड सॉल्यूशन है और उसमें भी नहीं करेगा क्योंकि हैवी है, नीचे जाके बैठ जाएगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। चौक पाउडर मिला दो पानी में, एग्जाम्पल है सस्पेंडेड सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का, और चौक पाउडर आपका क्या तैरता भी रहता है ना, तो ये शो कर सकता है। लास्ट देख लो, पोटेशियम KMnO4 को पानी में मिलाओगे तो ये तो नीचे जाके बैठ जाएगा, पोटेशियम में अपर मैग्नेट हैवी सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो ये भी आपका शो नहीं करेगा, आंसर होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था आज के सेशन में पूरा, चौक पाउडर इसके एग्जाम्पल में था, जाके पढ़ लेना, थ्योरी में देख लेना एक बार। चौक पाउडर एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो एक सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है और टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। और आज का ये 29 क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं, सेशन को दोबारा देख लेना, पूरा चैप्टर प्लस एमसीक्यूज पूरा आपको करवा दिया, इस चैप्टर को आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसकी थ्योरी और ये एमसीक्यूज पूरे कर लिए तो। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है ना, और नहीं भी लगे तो दोबारा आना एक बार और क्वेश्चंस पूछना, ठीक है, टाइम है 4 से 5 क्लास का, और अभी अपन चलते हैं और कल मिलते हैं फिर दोबारा से इसी सेशन इसी टाइम पे, और कल करेंगे बायोलॉजी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे चलता रहेगा अपना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, चाहे वो 3 बच्चों ने देखा चाहे 10 बच्चों ने देखा, डजंट मैटर फॉर मी, व्हाट मैटर्स इज यू हैव टू गो थ्रू दीज ऑल स्लाइड्स वंस, देन यू कैन थिंक लाइक चैप्टर इज ओके और नॉट। ठीक है ना, पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया या नहीं कराया, इसमें मेरी तरफ से 100% सिलेबस कवर अप है विद एमसीक्यूज, और मैं डेली ऐसे ही सेशन लेके आऊंगा, चाहे 1 घंटे में कंप्लीट हो चाहे 1.5 घंटे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।